देश की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार को विपक्ष के नेता लगातार टारगेट करते रहते हैं और विवादित टिप्पणी करते हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के बड़े नेताओं पर भी विपक्ष लगातार हमलावर रहता है और अब कांग्रेस के नेता अजय राय ने भी केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी पर अभद्र टिप्पणी कर दी है। आपको बता दें कि आम चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा कर अमेठी पर कब्जा कर लिया था, तभी से कांग्रेसी बौखलाए हुए हैं और लगातार स्मृति ईरानी के खिलाफ बयान देते रहते हैं। अब जिस तरीके से पूर्व विधायक और पूर्वांचल के कद्दावर नेताओं में शुमार अजय राय ने स्मृति ईरानी पर बयान दिया है, निश्चित तौर पर वो अभद्र भाषा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि स्मृति ईरानी अमेठी में लटके झटके दिखाने के लिए आती हैं, ये राजनीतिक बदला लेने के लिए प्रायोजित करेगा। आप सुनिए अजय राय क्या कह रहे हैं। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। राहुल गांधी निश्चित तौर से 2024 में वहाँ की कार्यकर्ताओं की मांग है, हम सब लोग ये निश्चित तौर से डिमांड करेंगे कि वो वहाँ पे चुनाव 24 में आके लड़े। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से अजय राय ने यह बयान दिया है और स्मृति ईरानी पर व्यक्तिगत हमला करते हुए कहा है कि वो केवल अमेठी इसलिए आती हैं ताकि वो लटके झटके दिखा सकें, आने वाले वक्त में उनसे बदला लिया जाएगा। इसके अलावा अजय राय ने यह भी कहा कि अमेठी गांधी परिवार का गढ़ रही है और आने वाले चुनावों में शानदार तरीके से वहां पर एक बार फिर कांग्रेस जीतेगी। वहीं पर आपको यह भी बता दें कि अजय राय का कहना है कि 2024 में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी से एक बार फिर से चुनौती देने के लिए तैयार हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन जिस तरीके से अजय राय ने यह बयान दिया है उसके बाद से स्मृति ईरानी निश्चित तौर पर उन्हें जवाब देंगे। फिलहाल आप सुनिए अजय राय ने अपने पूरे बयान में और क्या कुछ कहा है। कोर्ट ने, इसका मतलब जो विद्वान न्यायाधीश ने जो दिया है सजा, तो विद्वान न्यायाधीश की उनकी विद्वता पे तो हम चैलेंज नहीं कर सकते भाई, वो कर सकते हैं। और वो निश्चित तौर से ऐसे दुर्दांत अपराधियों को जो सज़ा मिली है, जो उस पर हम लोगों ने जो गवाही किया उस पर जो सज़ा मिली, वो निश्चित तौर से 100% सही है। ऐसे लोगों से कड़ी दंड मिलना चाहिए, कड़े से कड़े और प्रावधान के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुल्तानपुर में आपने कहा था चुनाव लड़ने की बात जब सामने आई थी तो आपने कहा था कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, क्या सही में है वहाँ से चुनाव लड़ेंगे? अरे भाई, वो गांधी परिवार की सीट है, वहाँ से राहुल जी कई बार रहे, राजीव जी थे, संजय गांधी, सारे परिवार के लोग वहाँ से रहे। हम जिस तरीके से सेवा की, आप जितने कल कारखाने आप देख लीजिए, चाहे वो भेल का कारखाना हो, चाहे डेल का कारखाना, जो भी चीज़ें जितनी भी फैक्ट्रियां लगी हैं, सारी फैक्ट्रियां आज बंदी के कगार। जगदीशपुर का पूरा इंडस्ट्री एरिया लगी है, लगभग जहां लोगों ने उस वहां बताया कि आधे से ज़्यादा कल कारखाने बंद पड़े हैं। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। राहुल गांधी निश्चित तौर से 2024 में वहाँ की कार्यकर्ताओं की मांग है, हम सब लोग ये निश्चित तौर से डिमांड करेंगे कि वो वहाँ पे चुनाव 24 में आके लड़े।